कैसे हो आप? हिंदी में आज आपको क्या करना है कि चित्र देख करके जो भी चित्र हैं उनके नाम लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है? तो जैसे ये क्या है यहाँ? घर। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? घर। ओके, ये देखिए बास्केट है फ्रूट की, तो इसको क्या बोलेंगे? फल। फल। ये क्या है? आम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आम। मछली। म छ ला में बड़ी की मात्रा मछली। छतरी। छ त रा में बड़ी की मात्रा छतरी। ये क्या है? धनुष। ध नु ष धनुष, ठीक है? फिर ये क्या दिख रहा है आपको? सूरज। तो सा में बड़ा उ की मात्रा सूरज। ये क्या आपको दिख रहा है? गणेश, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? गणेश। पौधा। पौधा, ठीक है? तो चित्र देख करके आपको उनके नाम लिखने हैं। ये आपका वर्क है, आप चित्र बनाएंगे या ड्रॉ करेंगे ऐसे, और फिर उसके सामने उसका नाम ऐसे लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट हम रंगों के नाम पढ़ेंगे हिंदी में, ठीक है? लाल कौन सा रंग होता है? पीला, नीला, काला, सफ़ेद, गुलाबी, हरा, नारंगी। तो ये आपको याद भी करना है कि लाल हम कैसे लिखेंगे, पीला कैसे लिखते हैं, पा में बड़ी की मात्रा फिर ला में बड़ा की मात्रा पीला, नीला कैसे लिखते हैं, काला कैसे लिखते हैं, सफ़ेद कैसे लिखते हैं, ये लिखना भी आपको आना चाहिए, ठीक है? तो ये देखिए, ये लाल है, ये मैंने यहाँ पे सर्कल बनाए हुए हैं, यहाँ पे मुझे कलर करना है। जैसे लाल है तो लाल ये कलर, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ये लाल कलर कर दिया। आपको भी ऐसे हिंदी की कॉपी में करना है। पीला। पीला कौन, इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में रहेगा कि लाल कलर कौन सा होता है। पीला, ये पीला, ठीक है? फिर नीला, ये देखिए नीला कलर मैंने कर दिया इस पे। काला। सफेद। सफेद तो ये पेज का भी है कलर, है ना? तो सफेद ऐसा ही होता है, कलर क्रेयॉन से नहीं आता है, सफेद ये है व्हाइट जिसको बोलते हैं ना, सफेद यही कलर है, ठीक है? गुलाबी। हरा एंड नारंगी, ठीक है? तो ये आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है। ये 8 कलर, मैंने भी और भी कलर होते हैं पर आपको अभी इतने ही याद करने हैं और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कलर किस ऐसा दिखता है, ठीक है? जैसे आप याद तो कर लोगे लाल पीला कैसे लिखते हैं, पर आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा ये कलर कौन सा है, ये कौन सा है पीला, तो इसलिए मैंने इसके सामने आपको कलर करके बताया है, ठीक है? तो इससे आपको भूलेगा नहीं कि लाल ये होता है, पीला ये होता है, ठीक है चिल्ड्रन? तो आप रंगों के नाम और वो चित्र देखकर नाम लिखना, वो मैंने जो बताया है वो आप अपने हिंदी की कॉपी में करेंगे, और ये बेटा आप याद भी करना है आपको, ठीक है? जब एग्ज़ाम होंगे ना तो आपके ये आएंगे, रंगों के नाम, चित्र देखकर नाम लिखना, है ना, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, वो जो मैंने पहले भी बताए हैं आपको, तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है।